खान साहब का जो फोकस है दैट्स ऑन हेल्थ, एक उनका हमेशा ये रहा है। और जब उन्होंने ये कलमदान मेरे हवाले किया तो उन्होंने ये बात कही मुझे कि यू नो डॉक्टर साहिबा के हेल्थ इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड देयर फॉर आई वुड लाइक दैट यू शुड पिक, मतलब द आइडिया ऑफ सेलेक्टिंग यू फॉर इट इज़ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल इंशाल्लाह परफॉर्म वेल इन दिस। कोरोना के हवाले से हम बात करेंगे, अभी आपके सामने है पंजाब जो है सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा है और केसेस भी इस वक्त सबसे ज़्यादा पंजाब में ही है, तो इस मामले को किस तरीके से देख रही हैं और किस तरीके से डील कर रही हैं आप? फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर हमारी कमेटियाँ बन गई थी, हमने SOPs बनाने शुरू कर दिए थे, हमने अपना जो हमारा जो भी हम सुन रहे थे व्हाटएवर वाज हैपनिंग इन चाइना उसके ऊपर लोगों की ट्रेनिंग, हमने अपनी एक टेक्निकल कमेटी बना ली थी और फिर उसके बाद आपको पता चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट कमेटी भी बनाई, सो वी स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली ऑन इट। और बहुत ही थोड़े मरीजों के तादाद जब आई तो आपको पता है लॉकडाउन जो था मार्च के महीने के अंदर शुरू कर दिया, शुरू का लॉकडाउन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सख्त था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आपको पता है कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं खान साहब ने कही हैं कि उनको खोलिए, और चीफ मिनिस्टर साहब भी चाह रहे थे कि हम कुछ इंडस्ट्रीज़ जो रिलेटेड हैं काम से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फूड से है, फिर आपको पता है कि अब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमने खुद यहाँ बनाना शुरू कर दिया तो आपको कुछ टेक्सटाइल यूनिट्स भी खोलनी पड़ी, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको खोलना पड़ा। जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी जंप आएगी इस एपिडेमिक के अंदर, वो आपने देखी है कि जो बस सीनियरियो जो प्रेजेंट किया गया था वो ज़फ़र साहब ने किया था वहाँ, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उनका था वी माइट जंप टू 50,000 इन मिड अप्रैल। फिर जो एक बहुत अहम बात बतानी ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारे पास तादाद है मरीज़ों की, इसमें से 90% ऐसे मरीज़ हैं जिनमें बहुत कम सिम्टम्स हैं या ना होने के बराबर हैं, छोटी तादाद जो है उसको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है जिसमें वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं या उनको रेस्पिरेटर पे डालना वेंटिलेटर्स पे डालना पड़ता है। तो इसकी इस एक महीने के अंदर एक हमें ज़रूर एडवांटेज मिला इस लॉकडाउन का कि हमने बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली अपनी। लोग तनकीद भी करते हैं और ये तनकीद सामने आई है कि इस वजह से पंजाब में केसेस ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए क्योंकि टेस्टिंग कम की गई। दो रोज़ कबल पहले आप लोगों ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई पिछले दिनों, लेकिन कुछ पिछले 3-4 दिनों में टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम हुई, तो उसकी क्या वजह है? टेस्टिंग कैपेसिटी कम नहीं हुई, एक्चुअली हमारे पास सैम्पल्स ही अब मजीद कोई नहीं रहते, बिकॉज इससे पहले वी वर फोकस्ड ऑन डूइंग ज़ायरीन का, तबलीगी इज्तिमा का, जो लोग हमारे पास दाखिल हैं उनका, जो फ़्लाइट्स आ रही थी बाहर से उनकी टेस्टिंग, दीज वर द मेन पीपल वो बींग टेस्टेड, और हमने कोई बैकलोड भी नहीं छोड़ा था। अब जब हम एक वो सैम्पलिंग करने शुरू करने लगे हैं जिसके अंदर हम सोच रहे हैं कि 12,000 से 13,000 लोगों को हमने सैम्पल करना है, या ख़ास तौर पर वो इलाके जो वो ब्लॉक्स हैं जिनको हम रेड एरियाज़ कह रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो हाउस होल्ड्स हैं उनका सर्वे जब शुरू होगा तो नंबर वो डेफिनेटली इंक्रीज। मकसद ये था कि वैसे तो नहीं आपने सड़क पे खड़े होकर सबकी टेस्टिंग करनी शुरू कर देनी थी, और फिर आपको पता है कि एक शिकायत ये थी कि भाई आम आदमी कहाँ जाए, आम आदमी के लिए भी हमने सहूलत पैदा की भी, आपको पता है कि कोरोना हॉस्पिटल जो है एक्सपो में वहाँ बाकायदा देयर इज एन आउटडोर जो 24 आवर्स काम करता है, यानी आप 24 घंटे उस आउटडोर में जा सकते हैं। कि स्मार्ट सैम्पलिंग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कल CM ने ट्वीट भी किया, वो क्या है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। मास स्क्रीनिंग तो कर नहीं सकते, हमेशा आप याद रखिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, किसी ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, ना अमेरिका करेगा ना इंग्लैंड, उनके पास हर किस्म की सहूलत भी हो तो वो मास टेस्टिंग नहीं कर सकते। स्मार्ट टेस्टिंग ये होती है कि आप फोकस करते हैं अपने आप को ऑन सर्टेन एरियाज, फॉर एग्जाम्पल किन का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है, जैसे हम लोग मीडिया हाउसेस की भी आपको पता स्क्रीनिंग करने लगे, इसी तरीके से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी हम सबकी स्क्रीनिंग करने लगे हैं, इसी तरीके से फिर कुछ एरियाज जैसे फॉर एग्जांपल मंडियां हैं जहां लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, वी आर गोइंग टू डू स्क्रीनिंग देयर एंड फाइंड आउट कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। फिर आपका कोई एक एरिया है जैसे फॉर एग्जाम्पल इस घर के अंदर 15-16 बंदे, तो उसके इर्द गिर्द जो घर हैं वी आर गोइंग टू पिक अप द नंबर ऑफ हाउसेज। सो बेसिकली स्मार्ट टेस्टिंग इज़ मोर लाइक टारगेटेड टेस्टिंग, यू कैन गो अराउंड डूइंग मास टेस्टिंग ऑफ एवरी वन, यू नो, तो वो इस वजह से वी वुड कॉल इट स्मार्ट टेस्टिंग। बिकॉज ये बात आप ना भूलिएगा कि हुकूमत ये बहुत बड़ी सहूलत दे रही है लोगों को, इस टेस्ट की कीमत जो है ना वो हमें 4,500 से 5,000 पड़ती है, सिर्फ टेस्ट जो हम करने लगे ये अरबों रुपये इस पर खर्च होंगे इन टेस्टिंग के ऊपर। तो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन थिंकिंग कि हु आर वी गोइंग टू टेस्ट,
बिकॉज यू कांट गो अराउंड वेस्टिंग टेस्ट. फिर सबसे बड़ी बात है जब एक बंदा पॉजिटिव आ जाएगा फिर उसको नेगेटिव करने के लिए आपने फिर उसके दो टेस्ट करने. सो द टेस्ट आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड इन दैट फैशन. कुछ किट्स के हवाले से भी कुछ शिकायत मौसूल हुई, कुछ लोग ऐसे भी रिपोर्ट हुए जिनके टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव कंजेकटिव डेज में आए, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? लोगों ने बड़ा एतराज़ किया जी, दिन लगा देते हैं, हम रीरन करते हैं, बार बार रीरन करते हैं, ज़रा सा भी शक पड़े तो यू रीरन द टेस्ट, कहीं ऐसी बात नहीं है. तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की जाती है. हाउएवर वो जो स्पेसिफिसिटी है इस टेस्ट की वो तो सारी दुनिया में इसी तरीके से जो भी ये किट्स हैं कि भाई इतनी परसेंटेज जो है वो डेफिनेट है और इतने पे नहीं, वरना तो असल तो कहते हैं जी द ओनली वे यू कैन रियली कन्फर्म इट इज़ कि आप ब्रोंकियल लवाज लें. यानी ब्रोंकियल लवाज ये है कि पहले आप वी पुट वाटर इन द लंग्स एंड देन टेक इट आउट एंड लवाज में जो आएगा दैट विल गिव यू 93%. तो वो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल इन एवरी पर्सन. एडवांटेज हमने इस लॉकडाउन का किया लिया है कि हमने कैपेसिटी अपनी टेस्टिंग की बढ़ा दी, हमने कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की बढ़ा दी, ट्रेनिंग बेहतर कर दी. अपने जो पीपीज का थोड़ा सा था कि शायद उसकी वो स्टॉक कम हो, वो हमने पूरा स्टॉक पहुंचा दिया सब तरफ. तो होपफुली नाउ वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन कि हम इससे कोप कर सकें. पीपीज की बात की, उसी पे आते हैं कि उसके हवाले से भी डॉक्टर्स की बड़ी शिकायत आई कि हमें प्रोवाइड नहीं की गई, और हेल्थ केयर्स भी बहुत सारे जो हैं वो उनका पॉजिटिव आया टेस्ट. तो यंग डॉक्टर्स खसूसन आपसे अक्सर नाराज़ रहते हैं, ये क्या वजूहत हैं, और अभी ये जो पीपीज का मसला है वो किस तरीके से आपने हल किया है? हर हॉस्पिटल को अपना बजट दिया गया कि आप लोकली भी पीपीज खरीदें, उनको हमने अब लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं एक्सेप्ट फॉर N95 मास्क, मेजॉरिटी द पीपीज आर बीइंग प्रोड्यूस लोकली आल्सो. सो दे हैव अ बिग बजट, को 1 बिलियन रुपीज़ का बजट जो है दैट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन हॉस्पिटल्स एंड हमारे सारे अस्पतालों के, और हेड्स जो हैं दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. प्रोटेस्ट का ताल्लुक है जो मेरे सामने आई है बात, जो मेरे सेक्रेटरी साहब ने बताई है, वो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आज से 5 महीने पहले इन्होंने अस्पताल बंद किए थे और उसके ऊपर 5-6 डॉक्टर्स इनके टर्मिनेट हुए थे. द मोर इंसिस्टेंट कि इनको आप जो इनकी मेन डिमांड्स हैं दे हैव ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड. दूसरी एक ये डिमांड है कि जी हमारी तनख्वाहें डबल आप करें फॉर द पीरियड ऑफ कोविड वायरस. तनख्वाहें इनकी बढ़ाई थी जब हमारी हुकूमत आई है, हमने इनकी तनख्वाहें बढ़ाई थी. हमने बाकायदा एक नोटिफिकेशन कर दी है कि वो लोग जो कोविड के साथ काम कर रहे हैं उन सबको एक बेसिक तनख्वाह एक्स्ट्रा मिलेगी. एक्सपो सेंटर के फील्ड हॉस्पिटल में आप बैठ के स्माइल कर रही थी, वो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल होगी, तो उसके बारे में पूछना चाहूँगी खसूसन कि क्या फीलिंग थी उस दिन, आपके चेहरे पे एक रिलीफ नज़र आया. इट्स अ ह्यूज चैलेंज, और मेरा ख्याल है कि हर रोज़ एक नया चैलेंज आता है मेरे सामने. सब दुनिया सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि क्या हम एक अस्पताल इतनी जल्दी बना सकेंगे जिस अस्पताल में हम लोगों को अकोमोडेट करें, जो बिल्कुल अलहदा हो और बाकी हमारे हेल्थ वर्कर्स ना एक्सपोज हों, बाकी जो हमारे मरीज़ बाकी अस्पतालों में आते हैं वो ना एक्सपोज हों. तो मेरा ख्याल है वो एक बहुत बड़ी रिलीफ, किसी भी मेरी जगह कोई भी होता वो शायद इतना ही रिलीफ फील करता. तो शुक्र है खुदा का, और मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट जो है आई वुड लव टू गिव इट टू दी कमिश्नर लाहौर एंड हिज टीम. जितनी मेहनत से तंगदेही से उन्होंने काम किया, यानी यकीन नहीं आता था कि 9 दिनों के अंदर उन्होंने ये सारा कुछ तैयार करके खड़ा कर दिया. सो इट वॉज अ ह्यूज रिलीफ. जब चीफ मिनिस्टर साहब इंस्पेक्ट करने आए तो मुझे लगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया है. पंजाब की तरफ से जो है इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट की जा रही है, शायद सही नंबर नहीं बताया जा रहा, या फिर जो है वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से अवाम तक पहुंचाई नहीं जा रही, इसमें कितनी हकीकत है? एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन एक मेरे पास टॉक शो के अंदर इट वॉज रेज्ड कि जी वो आप क्या कहते हैं डेथ्स छुपा रहे. मैं कहा जी मौत तो कभी छुप सकती है, आप नहीं छुपा सकते ना, लोगों ने दफनाया जाना. तो मैंने कहा मैंने पिछले 3.5 महीने के उस वक्त मेरा ख्याल है उस 10th or 12th of April, मैंने कहा मैंने 3.5 महीने के बैरियल्स के, लाहौर के बैरियल्स के मैंने स्टैटिस्टिक्स निकलवा लिए थे कि ये ना हो कि लोग वाकई फौत हो रहे हों, दफनाए जा रहे हों और मुझे ना पता चल रहा हो. लेकिन इट वॉज विद इन नॉर्मल लिमिट्स. वो वजह ये थी कि अप्रैल के महीने के ख़ास तौर पर पहले 10 दिन के 510 थे, और अगर मैं जनवरी को देखूं तो 1600 कुछ थे, और फरवरी में वो जो थे वो 1800 हुए, मार्च के अंदर फिर 1600 थे, 1600 प्लस थे, और अप्रैल के महीने के अंदर जो पहला फर्स्ट 10 डेज थे उसमें 510 थे. तो यू कांट हाइड डेथ. एक रिपोर्ट सिंध से सामने आई थी खसूसन के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिसकी उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने भी तस्दीक की कि रिसीव डेड हैं हस्पतालों में पहुँचे, और उनको इसी तरीके से कुछ डिजीज़ जो थी सांस लेने में तकलीफ और रेस्पिरेटरी इशूज़ के साथ थे रिसीव डेड. क्या पंजाब में भी ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए? देखिए हमारे पास अगर कोई पेशेंट आया और हॉस्पिटल में, हमने एक काम ज़रूर किया, सैम्पल ज़रूर ले लिए,
वी हैव इंश्योर्ड. तो ये जो हमारी आपके पास डेथ्स आई हैं ना, कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं हु केम इन एंड ईदर कुड नॉट बी रिससिटेटेड, उनका भी हमने सैंपल लिया. दे केम एंड डाइड विद इन एन आवर, उनका भी हमने सैंपल लिया जस्ट टू बी श्योर अबाउट इट कि ये ना हो कि दिस माइट बी कोविड वायरस. लोगों ने कॉमेंट्स शेयर किए, अपने एक्सपीरियंसिस शेयर किए. कुछ डॉक्टर्स से भी हमने देखा तो उन्होंने भी ये बताया कि बहुत सारे सैम्पल्स जो हैं वो ज़ाया भी कर दिए गए, जो लोग जिनकी डेथ्स हो गई तो पता ये नहीं चल सका कि वो कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड नेगेटिव. तो क्या इन चीज़ों में कितनी हकीकत है? और सोशल मीडिया के ऊपर देखें, इट्स वेरी इजी टू पास कमेंट ऑन इट, फिर उसको सच कौन साबित करता रहे? इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है, फिर उसको सच आप किस तरह साबित करेंगे? तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो मैं तो आई बिलीव के सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसान दे रहा है. वजह यह है कि एक वबा है, वबा आ गई है पाकिस्तान में, हमने उसकी फ्लैटनिंग करनी है कर्व की, बहुत हद तक कोशिश की जा रही है. फिर इस तरह की बातें करना इट्स वेरी डिस्करेजिंग, नॉट ओनली फॉर एनीवन, गवर्नमेंट के लिए डिस्करेजिंग होता है, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए डिस्करेजिंग होता है. लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नरमी कर दी गई है, लोग बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे. हमने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की और देखी भी बाहर. तो उस हवाले से क्या आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर क्या लाइमल तय करेंगे? और मस्जिद के हवाले से भी खसूसन बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि पंजाब में भी बहुत वायलेशंस हो रही हैं, नहीं वो SOPs अपनाए जा रहे जो गवर्नमेंट ने जारी किए हैं. इम्पोर्टेंट है ये, इस बात से तो कभी इनकार नहीं किया ना कि ये दिस वायरस इज़ नॉट हेयर, इससे कभी हमने इनकार किया? हमने कहा दिस वायरस इज हेयर एंड दिस इज हेयर टू स्टे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वी फाइनली मैनेज टू गेट अ वैक्सीन एंड गेट रेड ऑफ इट. तो ये तो है यहाँ. अब अगर ये है तो कितनों को लगेगा? कोशिश हमें ये होनी कि कम से कम लोगों को लगे. लोगों से ही इल्तिजा की जा सकती है कि खुदारा अल्लाह ताला आपकी शहरक से ज़्यादा करीब है, नमाज घर में पढ़ लीजिए. क्या आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मैं तो कभी आज तक अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं रहती. अगर मैं मुतमईन होती तो आराम से घर बैठ जाती ना. आई ऑलवेज फील देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू. तो मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि मैं काम मजीद मेहनत करती चली जाऊँ ताकि अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्दी छुटकारा दे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर टॉकिंग.